आशीष शेलार का वोटिंग लिस्ट धांधली पर बड़ा हमला। फ्रंट पर हार रही महाविकास आघाड़ी तिकड़म से जीतना चाहती है चुनाव। नवी मुंबई मनपा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी और बीजेपी अब वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर आमने सामने आ गई हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नवी मुंबई चुनाव प्रभारी आशीष शेलार ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों के लिए उद्धव ठाकरे सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी फ्रंट पर चुनाव हार रही है, इसलिए धांधली के जरिए चुनाव जीतने का षड्यंत्र रचने में जुटी है। उन्होंने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पर भी तंज कसा और कहा कि एसआईटी जांच की मांग करने वाले वोटर लिस्ट में चल रही धांधली में एसआईटी जांच की मांग क्यों नहीं करते। नई मुंबई महानगर पालिका के वो तथ्य स्वयं स्पष्ट है कि इसमें बड़ी भारी मात्रा में गड़बड़ियां है और ये गड़बड़ियां मंत्रालय के एसी केबिन में बैठकर सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। रास्ते पर मतदाताओं के सामने जाकर जब चुनाव जीतने की संभावना नहीं बचती तब इस प्रकार के कारस्थान और कॉन्स्पिरसी मंत्रालय के एसी केबिन में बैठकर बनानी पड़ती है। जिस प्रकार का उम्मीदवार भगाने का कार्यक्रम पहले इन्होंने किया, अभी तो वोटर भगाने का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की राजनीतिक एक तरीके से चुनाव की तैयारी आज तक हमने कभी नहीं देखी। इतनी गड़बड़ियाँ इस चुनाव के वोटिंग लिस्ट में है, कहीं पर पूरी सोसाइटी गायब है, किसी वार्ड में एक वार्ड की सोसाइटी दूसरे वार्ड में डाली हुई है, कहीं पर एक सोसाइटी है लेकिन उसके मतदार दूसरे सोसाइटी के मतदार डाले हुए हैं, कहीं पर एक आदमी का नाम दो बार तीन बार चार बार आ चुका है, कहीं पर पूरे 1900 से ज़्यादा वोट एक वार्ड से निकल कर दूसरे वार्ड में डाले हैं, क्योंकि दूसरा वार्ड हम जीत नहीं पाएंगे तो उसको जीतने के लिए यहाँ के वोटर वहाँ भगाने का कार्यक्रम किया है। इस तरीके से भाग भगाने का कार्यक्रम, एक भागम भाग पिक्चर जैसा कार्यक्रम, ये नई मुंबई की भागम भाग ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने की है और इसके ऊपर सुप्रिया ताई से हमारा निवेदन है, आजकल हर बात पर वो एसआईटी चाहती है तो इस भागम भाग के ऊपर भी एसआईटी वो लगाए, ये हमारी मांग है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व मेयर सागर नाइक समेत कई नेता मौजूद थे। यहाँ आशीष शेलार ने कहा कि 9 लाख वोटरों वाली मतदाता सूची में हजारों खामियां हैं, इस पर 20,000 शिकायतें अकेले बीजेपी ने दे रखी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी धांधली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष शेलार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आइए सड़क पर उतर कर सामना करिए और सिर उठाकर जनता के बीच चुनाव लड़िए। इन षड्यंत्रों से बीजेपी और गणेश नाइक हारने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से हम ये विनती करना चाहते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए नगर पालिका में या चुनाव के कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी सब जनता ने दिए हुए ऑब्जेक्शंस के ऊपर कार्रवाई सकारात्मक कानूनन तरीके से करें। भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 लाख करीब वोटर की लिस्ट में 20,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो हमने ही डाले हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर ऑब्जेक्शंस कोई भी एक नगर पालिका महानगर पालिका चुनाव में आते नहीं हैं, इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ की है तो मुख्यमंत्री महोदय चुनाव का सामना कानूनन तरीके से करिए, सर उठाकर करिए, यह हमारा निवेदन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।